फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपको मैं कुछ पुरानी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, और जो कि एंशंट टाइम की है, पुराने ज़माने की है, और मैं उनके बारे में कुछ बताना भी चाहूँगी आपसे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे पुरानी चीज़ें मिली यहाँ आके, मतलब गांव में अभी आई हूँ मैं थोड़े दिनों के लिए, 2-3 दिन के लिए, तो मुझे यहाँ आके मुझे मिला। ढूंढी वो चीज़ें, मतलब कुछ और ही ढूंढ रही थी और मिल कुछ और गया, तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको वो दिखाऊंगी। सो आप देखना और मतलब एंजॉय करना। सो उसके आगे भी और भी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन पहले मैं इन सब चीज़ों के बारे में बता देती हूँ आपको। और मेरे को शेयर करनी थी आपसे, और मुझे अच्छा लगा था वो चीज़ें देख के, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शेयर करूँ आपसे, और मेरे को रहा नहीं गया शेयर किए बिना। सो दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, मतलब सब्सक्राइबर्स में तो कोई कमी नहीं आ रही है, और आप लोग सपोर्ट कर ही रहे हो, और उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। सो और आगे जब तक देखते जाइए मेरी वीडियो, थोड़ी देर में आपको मैं दिखाऊँगी, पहले मैं उनको निकाल लूँ, ठीक है। ठीक है, आज का व्लॉग थोड़ा सा मिनी होगा, क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं है अभी। जब कंटेंट मिलेगा तो आपको आगे से आगे वीडियोस मिलती जाएंगी और मैं दिखाती जाऊंगी। सो आज छोटा सा व्लॉग एंजॉय कीजिए। पहले बाल तो सही कर लिए, बाल ही नहीं दिखते मेरे, सॉरी कैमरा, ठीक है जैसे भी है, अब मैं दिखाने जा रही हूँ, ठीक है। सो चलो, इस डब्बे में जो भी है पुरानी चीज़ें, चीज़ मतलब बोल सकते हैं, एक मिनट रखना पड़ेगा ऐसे करके। ज़रा मैं दिखा दूँ, ये था वो, तो इसमें क्या क्या है सारा खलार के आपको दिखाएंगे। तो पुराने ज़माने, पता नहीं कौन से ज़माने का है, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या है, बीज बाज रखे हैं, और ये है सिक्के, कुछ सिक्के मिले हैं मुझे, और इसमें देखो, इसमें हिप्पोपोटामस की एक बनी हुई है ड्राइंग, जो पुराने ज़माने में बना के रखते थे, उनका कुछ अलग ही होता था, इससे पहचान जाता था कि ये उनका सिक्का है करके, एनिमल के सिक्के। ये है 1963 का, एक मिनट, का है ये सिक्का, और इस पे ये हिप्पोपोटामस बना हुआ है, और ये 25 पैसा लिखा हुआ है, और इसमें ये पत्थर का, और इसमें उर्दू है, फारसी, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, करते हैं जूम इन, शायद उर्दू है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है, लेकिन उर्दू है शायद। और ये है फिर, वाओ, इसमें भी कुछ बना हुआ है, देखो ऐसा लग रहा है कोई घोड़ा है, और उस पर एक आदमी चढ़ा हुआ है, और फिर बाद में कुछ ऐसा गोल्डन टाइप में, तांबे का है शायद, ये बहुत ही पुराने पुराने ज़माने के हैं, और ये 25 पैसे, ये तो नया ही है, इसमें कुछ दिख नहीं रहा, बट ये पुराना है। ऐसा ही एक और सिक्का था अभी, ये सब पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट ऐसे सिक्का ढूंढती हूँ जिसमें कुछ मिल जाए। सब पत्थर के हैं, तांबे के हैं, सॉरी पत्थर के नहीं, ये रहा, ये देखो ये कुछ लिखा हुआ है इसमें, एक मिनट, 1/4 अन्ना इंडिया, 1920 का है ये, और ये 10 रुपये का जो पुराना वाला सिक्का था, तो वो है ये। कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, 25 पैसे, ये छोटू सा कुछ चलता था सिक्का पहले जब पुराने ज़माने में ऐसे सिक्के चलते थे, देख लो ये 1999 का है। ऐसे करते करते बहुत सारे सिक्के मिले हैं मुझे। ये क्या है बताना मुझे कमेंट बॉक्स में।
मुझे तो ये भी स्टोन ही लग रहा है, शाइन मार रहा है, बहुत अच्छा है। और एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इधर जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये मेरे परदादा जी हैं जो मुझे रूम में, हमारे रूम में बहुत सारे फ़ोटोज़ लगा रखे हैं। ये देखो इस तरह से, कुछ इस तरह से लगा रखे हैं, है ना। ये मेरे परदादा जी हैं जो कि बीकानेर के, जो महाराजा गंगा सिंह थे उनके ड्राइवर हुआ करते थे। और एक और दिखाती हूँ आपको, ये भी, ये उनके साथ फोटो है। ये मेरे दादाजी हैं, परदादाजी हैं, और ये महाराजा गंगा सिंह हैं बीकानेर के, और ये उनके फ्रेंड हैं। पुराने ज़माने के फ़ोटोज़ कुछ रखे हुए हैं लगा के हमारे घर पे। ये सब बाकी सब तो ऐसे भगवान वगैरह की फ़ोटोज़ लगाई हैं। और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी डाउन थी इसलिए मैंने बनाया नहीं वीडियो, तो आई होप कि आप समझोगे और लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे मेरे यूट्यूब चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर।